हेलो लोनर्स वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी दिस इज मी अर्जिता एंड आज के एक uh, आज के इस वीडियो में एक uh, पर्टिकुलर टॉपिक को हम समझने की कोशिश करेंगे आईपीसी के प्रोविजंस की मदद से विच uh, इस अगर कोई पर्सन यूजल uh, केसेस में इंडिया में जो देखा जाता है इज एक लड़का तो अगर कोई लड़का या कुछ लोग अगर किसी लड़की को घर से भगा के लेके जाते हैं लेट्स uh, से शादी करवाने के लिए या ऐसे ही आप लड़की को घर से भगा के लेके चले गए क्योंकि आप एक रिलेशनशिप वगैरह में हैं तो क्या वहां पे एक ऑफेंस माना जा सकता है आईपीसी के अंदर तो आज के इस के, इस टॉपिक को आज के इस सब्जेक्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे आई के एक लैंडमार्क केस की ही मदद से Uh, जो कि काफी बार आपसे के अंदर पूछा भी जाता है ठीक है नाउ बिफोर वी स्टार्ट विद द सेशन अगर आपने अभी तक हमारे साथ इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे कनेक्ट नहीं किया है तो जल्दी से कनेक्ट कर लीजिए सो दैट ऐसे जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए बनाए जाते हैं किसी भी एग्जाम की कोई अपडेट है कोई इंफॉर्मेशन है तो सब कुछ आपको मिलती रहेगी थ्रू ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स तो टेलीग्राम फेसबुक ट्विटर लिंक इंस्टाग्राम जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप अवेलेबल हो प्लीज मेक श्योर दैट यू कनेक्ट विथ अस ठीक है ऑल्सो आप में से जिन लोगों को नहीं पता है तो स्टडी आईक्यू के खुद के जुडिशरी के कोर्सेज भी हैं जिसमें सारे मेजर माइनर सब्जेक्ट्स, लोकल लॉज लीगल करंट अफेयर्स, जनरल करंट अफेयर्स प्लस प्रिलिम्स की टेस्ट सीरीज ये सब कुछ आपको प्रोवाइड करवाया जाता है अब इन कोर्सेज को आप किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं किस तरीके से इनरोल कर सकते हैं ये सारी चीजें मैं आपको वीडियो के एंड में एक बार बता दूंगी राव सद्दाम हुसैन वेरी गुड इवनिंग नहीं बहुत ही टॉपिक पे आने के पहले इस, इस चीज के ऊपर बात करने के पहले आईपीसी का एक प्रोविजन है कौन सा सेक्शन थ्री सिक्सटी वन ठीक है जिसमें किडनेपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप के बारे में बात की गई है अब इस प्रोविजन को सबसे पहले अगर हम डिस्कस करते हैं तो यहां पे ये लिखा है कि अगर कोई भी पर्सन ठीक है किसी भी लड़की को ठीक है किसी भी लड़की को अगर आप लेके जाते हैं या फिर किसी भी तरीके से उसे एंटाइस करते हैं ठीक है यानी किसी भी पर्सन को आप बहलाते हैं फुसलाते हैं किसी भी माइनर को माइनर से यहां पे इनका मतलब है लड़कों के केस में 18 साल से कम उम्र का लड़का और सॉरी 16 साल से कम उम्र का लड़का और लड़कियों के केस में 18 साल से कम उम्र की लड़की ठीक है या फिर किसी अनसाउंड माइंड के पर्सन को आप उनके घर से लेके गए यानी कि उनके लॉफुल गार्डियन से आप उनको दूर लेके गए और उनके गार्डियन से बिना पूछे आपने यह चीज की है तो आपने उस माइनर को किडनेप किया है ऐसा वहां पर माना जाएगा ठीक है तो अगर सबसे पहले हम बात करें कि लेट्स से अगर किसी लड़के ने मान लो कि लड़का बड़ी उम्र का है लड़का बीस इक्कीस साल का है पच्चीस साल का है तीस साल का है तो ऐसे किसी लड़के ने अगर एक लड़की को भगाया है जो कि अठारह साल से कम उम्र की है ठीक है वो दोनों रिश्ते में थे रिलेशनशिप में थे और लड़का वहां पे लड़की को घर से भगा के लेके चला गया तो क्या वो एक ऑफेंस माना जाएगा ठीक है अब इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले इस केस को समझो ठीक है ये एक लैंडमार्क केस आपका माना जाता है और इस केस में जो भी चीजें हुई थी ना वो भी रियल लाइफ केसेस में काफी बार देखी जाती है विच इज एस वरद राजन वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास का केस ठीक है टिपिकल स्टोरी है जैसे कि बॉलीवुड मूवीज में भी दिखाया जाता है और जैसे कई बार हमको देश में सुनने को भी मिलता है ठीक है एक लड़का था भाई वरदराजन ठीक है वरद पड़ोसी था बगल में रहता था किसके सावित्री के अब सावित्री जो है वो एक माइनर लड़की है यानी अगर हम आ, 361 के हिसाब से इसको देखें, तो 18 साल से कम उम्र की एक लड़की है ठीक है यानी कि आड़ोस पड़ोस में दो एक लड़का लड़की जो है वो रहते हैं रोज बात बात करते थे बात करते करते हो गई दोस्ती ठीक है और दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता, पता ही नहीं चला अब एक दिन लड़की की जो बहन है यानी सावित्री की जो बहन है वो अपनी बहन को यानी कि सावित्री को देख लेती है वरद राजन से बात करते हुए तो उन्होंने पूछा कि हाँ भाई क्या चल रहा है यहाँ पे तो सावित्री ने बोला कि मुझे ये लड़का पसंद है मैं जो है इससे प्यार करती हूँ ठीक है और मैं इससे शादी करना चाहती हूँ तो बड़ी बहन ने क्या किया बड़ी बहन ने जाके अपने फादर को ये चीज बता दी ठीक है तो फादर ने आके सावित्री से पूछा वगैरह कि भाई क्या चल रहा है ये सब ठीक है क्या हो रहा है ये सब तो फादर को यहाँ पे समझ में आ गया कि लड़की जो है वो हाथ से निकल रही है ठीक है आस पड़ोस के लड़कों से इनको प्यार मोहब्बत वगैरह हो रहा है तो इन्होंने क्या किया लड़की को जो है वो भेज दिया कहीं दूर ताकि वो लड़के से बात ही ना कर पाए उसका इंट्रेक्शन ही ना हो और इनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप वगैरह यहाँ पे नहीं हो पाए ठीक है अब जब लड़की यहाँ से रिलेटिव के घर पे चली जाती है बाद में एक दिन लड़की खुद लड़के को कॉल करके बुलाती है एक जगह मिलने के लिए ठीक है वो दोनों मिलते हैं वहां से वो एक फ्रेंड के घर पे जाते हैं उसको उठाते हैं और उस फ्रेंड को लेके जाते हैं कि भाई हमें शादी करनी है और हमारी शादी में तुम क्या बन जाओ एक तरीके का विटनेस जो है वो बन जाओ तो लड़का लड़की जो है वो घर से भाग के शादी कर लेते हैं और जो इनका फ्रेंड होता है वो यहाँ पे इनका विटनेस जो है वो बन जाता है ठीक है अब बाद में जब तक माँ बाप को ये बात पता चली कि भाई लड़की तो हमारे घर से भाग चुकी है ठीक है वही लड़का होगा जो लड़की को भगा के लेके गया होगा जिससे ये बातें किया करती थी जिससे ये शादी वगैरह करना चाहती थी तो माँ बाप ने यहाँ पे क्या किया उस लड़के के अगेंस्ट किडनेपिंग का केस जो है वो फाइल कर दिया कि भाई तुमने हमारी लड़की को घर से भगाया है और थ्री के हिसाब से क्योंकि लड़की का कंसेंट कोई वैलिड कंसेंट तो माना जा नहीं सकता तो अठारह साल से कम उम्र की लड़की को अगर आप भगा के लेके गए हैं तो आपने वहां पर किडनेपिंग का ऑफेंस कमिट किया है तो बहुत ही लॉजिकल बात इस केस के अंदर आपके बोली गई थी कोर्ट ने यहां पे बोला कि देखो बहुत से केसेस में ऐसा देखा जाता है जैसा कि इस केस में भी हुआ था कि चलो लड़की भागी लड़की जो है वो अपने घर से भाग के गई या फिर आप ऐसा बोल रहे हो कि ये जो लड़का है वो लड़की को भगा के गया है। देखो होता तो यही है है ठीक लड़की वाले जो होते हैं वो लड़के वालों पे ब्लेम डालते हैं और लड़के वाले जो होंगे वो लड़की पे ब्लेम डालेंगे कि भाई आपकी लड़की ने हमारे लड़के को फसाया है लड़की के माँ बाप बोलेंगे कि आपका लड़का जबरदस्ती हमारी लड़की को घर से भगा के लेके गया है जबकि बल्कि वो खुद अपनी मर्जी से घर से भाग के गई होगी अपनी खुद की इच्छा से अपनी खुद की कंसेंट से वही चीज कोर्ट ने भी इस केस के अंदर में समझाई थी कि देखो थ्री सिक्सटी वन जो केस है आपका थ्री सिक्सटी वन जो सेक्शन है आपका उसमें दो वर्ड्स दिए हुए हैं वर्ड्स क्या बोलते हैं टेकिंग होना चाहिए या इंटाइसिंग होना चाहिए कि भाई या तो तुम लड़की को जबरदस्ती घर से लेके गए या फिर आपने उसको किसी तरीके से बहलाया फुसलाया कि भाई हाँ तुम्हारे मां बाप बहुत बेकार हैं तुमको अच्छे से नहीं रख रहे हैं मेरे साथ चलो मैं तुमको बहुत अच्छे से रखूंगा हम जो है ना पहाड़ी में आ, किसी इलाके में जाके अपना छोटा सा एक घर बसाएंगे छोटा सा अपना एक आशियाना बनाएंगे वहां पर हम अच्छे से रहेंगे साथ साथ में ऐसी कोई बातें की हो तो भाई किडनेपिंग का केस बने भी तो कोर्ट यहाँ इस केस में वही बोला कि यार एक लड़की भले माइनर है भले 18 साल से कम की है खुद से अपनी मर्जी से अपने घर से अगर भाग रही है अपने मां-बाप के घर से अगर वो भाग रही है ठीक है तो ऐसे केस में टेकिंग और इंटाइसिंग तो कहीं पे हुआ ही नहीं यहाँ पे यानी लड़के ने बहलाया फुसलाया या लड़का जबरदस्ती लेके गया ऐसा तो यहां पे कुछ हो ही नहीं रहा था. अगर लड़की अपने खुद की मर्जी से जा रही है एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है खुद घर से भागने में, ठीक है, तो यहाँ पे आपका 361 के अंदर में नहीं बन सकता है तो अगर आप किसी भी पर्सन को किडनैपिंग के लिए गिल्टी ठहराना चाहते हो आप किसी भी लड़के के ऊपर या किसी भी इंसान को बोलना चाहते हो कि भाई आपने लड़की घर से भगाई है आपने जो है किडनैपिंग का ऑफेंस यहाँ पे किया है तो उसके लिए

कि हर केस में जब हम ये बोलते हैं कि आपने अगर किसी लड़की को घर से भगाया या कोई लड़का या लड़की घर से साथ में भागे हैं तो वहां पे हर केस में ऑफेंस माना जाए हर केस में आपने किडनैपिंग या एबडक्शन किया है ऐसा नहीं माना जा सकता ये आपको दिखाना पड़ेगा वहां पे एक्यूज के पार्ट पे कि भाई इस लड़के ने हमारी लड़की को बहलाया फुसलाया इस लड़के ने उसको इन्फ्लुएंस किया या ये उसको हमको हमारे घर से भगा के लेके गया है सिर्फ तब ही ये आपका एक आईपीसी के अंदर पनिशेबल ऑफेंस बनेगा नहीं तो नहीं बनेगा ठीक है तो यही चीज आपके एक और केस में बोली गई थी विच इज वीके राजपन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का भी केस है यहाँ पे भी इन्होंने यही बोला कि यार किडनैपिंग का केस डालने के पहले एक्यूज को जो है वो गिल्टी डिक्लेयर करने के पहले यहाँ पे एक्यूज का जो एक्ट है ठीक है उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन होना चाहिए लड़की के घर से भागने से रिलेटेड यानी लड़की अपने माँ बाप को छोड़ के भाग रही है आसान चीज तो नहीं है ना छोटी मोटी बात है नहीं। भाई से भागने का तो है पे होना चाहिए कि भाई लड़की को किसी तरीके से इन्फ्लुएंस किया है भले ही आज से दो महीने पहले किया हो एक साल पहले किया हो बट उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन वहां पे होना चाहिए तभी ये टेकिंग या एंटाइसिंग माना जाएगा 361 के अंदर नहीं तो आप सामने वाले के ऊपर किडनैपिंग का चार्ज जो है वो नहीं लगा सकते ठीक है अब ऐसे में एक और सेक्शन मुझे ध्यान आया आईपीसी का ठीक है जो भी काफी बार इंडिया में होता है कि भाई लड़के को लड़की पसंद है ठीक है लड़की को लेकिन लड़का पसंद नहीं है उसे लगता है तू क्या है तू क्या ही करते हो मैं तुमसे क्यों शादी करूं तो लोग क्या करते हैं या बहुत सारे लोग क्या करते हैं लड़की को जबरदस्ती उठवा लेते हैं लड़की को जबरदस्ती किडनैप वगैरह करवा लेते हैं जबरदस्ती शादी करवाने के लिए फोर्सफुल मैरिज कराने के लिए जैसे कि अगर आपने ये मूवी भी देखी हो आज से कुछ साल पहले ये मूवी आपकी आई थी रूही पिक्चर इसमें भी यही दिखाया है कि भाई राजकुमार राव होते हैं और राजकुमार राव की एक पूरी गैंग होती है और ये क्या करते हैं सोशल सर्विस करते हैं तो ये इनकी सोशल सर्विस क्या होती है कि भाई ये उन लड़कियों को जबरदस्ती उठाते हैं जिससे कोई लड़का शादी करना चाहता है बाद में उन लड़कियों को जाके जबरदस्ती शादी करवाते हैं उन लड़कों के साथ यानी उन्हें फोर्स कर रहे हैं किसी के साथ शादी करने में अब मूवी में तो ऑब्वियसली बात है कि बॉलीवुड की पिक्चरों में कहा प्रॉपर लॉ दिखाया जाता है कहा प्रॉपर पनिशमेंट वगैरह दी जाती है बट अगर यही चीज रियल लाइफ केस में हो रही होती रियल लाइफ में अगर ऐसी चीजें हो रही होती होती भी है तो यहाँ पे राजकुमार राव और उनकी गैंग के ऊपर जो है वो 366 का ऑफेंस जो है वो आप लगा सकते हो कि भाई जहां पे लड़की को किडनैप या एबडक्ट करने के पीछे या उसको घर से भगाने के पीछे आपका इंटेंशन क्या था कि आप उसको मजबूर करोगे कंपेल करोगे किसी के साथ शादी करने के लिए तो अगर इस इंटेंशन के साथ आपने किसी लड़की को अगवा किया है किडनेप किया है कि उसे कंपेल किया जाएगा किसी से शादी करने के लिए या फिर Uh, उसकी जो है उसकी मर्जी के बिना शादी करवाई जाएगी या फिर उसे फोर्स किया जाएगा सेड्यूस किया जाएगा किसी भी तरीके का सेक्सुअल uh, इंटरकोर्स करने के लिए किसी भी पर्सन के साथ तो यहां पे आपने क्या किया है 366 के अंदर में ऑफेंस आपने कमिट किया है ठीक है तो ये दो सेक्शन आपके इन सिचुएशंस में अप्लाई किए जा सकते हैं जहां पे हम बोलते हैं कि लड़की को घर से भगाया गया है या फिर किसी महिला को घर से भगाया गया है शादी करने के लिए या फिर लड़के के साथ अगर कोई लड़की जो है वो आपकी भागी है अब वैसा ही एक और सेक्शन है आपका आपका आईपीसी के अंदर 366 ए ए भी आपका बात करता है 18 साल से कम उम्र की लड़कियों के बारे में कि भाई यहां पे भी अगर आपने किसी भी तरीके से 18 साल से किसी कम उम्र की लड़की को आप बहला के फुसला के इंड्यूस करके किसी एक जगह से दूसरी जगह अगर आप उसको लेके जाते हो ठीक है इस इंटेंशन के साथ कि उस लड़की को फोर्स किया जाएगा या सेड्यूस किया जाएगा किसी दूसरे पर्सन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए तो आपने 366 ए के अंदर में क्या किया है यहां पे आपने ऑफेंस कमिट किया है ठीक है तो अगर हम इस चीज को कंक्लूड करें आज के हमारे इस टॉपिक को अगर हम कंक्लूड करते हैं अगर किसी को कोई डाउट्स हैं कुछ क्वेश्चन नहीं कुछ पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप चैट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो तो अगर हम इस चीज को कंक्लूड करें जो मैंने मैंने क्वेश्चन यहां पे पूछा था कि क्या लड़की को घर से भगाना पनिशेबल ऑफेंस है द आंसर इज हर केस में नहीं कुछ केसेस में हो सकता है जहां पे आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई जिसके साथ भी वो भागी है या जिसने भी उसको भगाया है उसका कोई रोल था उस लड़की को बहलाने में फुसलाने में उस लड़की के दिमाग में ये चीज डालने में कि हाँ हमें घर से भागना है या आपको घर से भागना चाहिए आपके माँ बाप आपके हित में आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं यानी जब तक थ्री के वो दो पॉइंट मीट नहीं होंगे टेकिंग और इंटाइसिंग वाले तब तक ये किडनेपिंग नहीं माना जा सकता किसी भी महिला का अगर वो खुद से भागी है खुद से ये डिसीजन लेके भागी है भले ही वहां पे वो लड़की 18 साल से कम उम्र की क्यों ना हो 18 साल से कम उम्र की है लेकिन खुद से भागी है तो भी आप किडनैपिंग का चार्ज सामने वाले पर्सन के ऊपर नहीं लगा सकते कि इसने लड़की को यहाँ पे भगाया है ठीक है सो आई होप ये तीनों सेक्शन ये तीनों प्रोविजन आपको यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे uh, एक और इन्फॉर्मेशन विच इज की आप में से जो लोग स्टडी आई के जुडिशरी के कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप गूगल पे जाके यू कैन इनरोल फॉर दी कोर्सेज ऑनलाइन ठीक है कहीं पे आपको सेंटर वगैरह पे कहीं पे विजिट करने की जरूरत नहीं है ऑनलाइन जाओगे तो आपको सारे स्टडी आईक्यू के जुडिशरी के कोर्सेज मिल जाएंगे अलग अलग स्टेट के हिसाब से डिवाइडेड सेग्रीगेटेड इसमें से जो भी आपका टारगेट स्टेट है यहां पे देखो हर स्टेट का एक एक कोर्स आपका बना हुआ है ठीक है जिन 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 स्टेट्स में आपके जुडिशरी के एग्जाम करवाए जाते हैं हर स्टेट का कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है तो जिस भी स्टेट की आप तैयारी कर रहे हो जो भी आपका टारगेट स्टेट है यू कैन इनरोल फॉर दैट स्टेट जैसे अगर डेली जुडिशरी में खोल के दिखाऊं तो डेली जुडिशरी के कोर्स के लिए आप इनरोल कर सकते हो तो डेली जुडिशरी का जो कोर्स होगा उसमें डेली जुडिशरी में पूछे जाने वाले सारे मेजर सब्जेक्ट सारे माइनर सब्जेक्ट्स लोकल लॉज वगैरह जो हो गए साथ ही लीगल करंट अफेयर जीके वगैरह, ठीक है जजमेंट राइटिंग मेंस आंसर राइटिंग यानी प्रेम्स और मेंस की पूरी तैयारी यहां पे आपको करवा दी जाएगी ठीक है तो कोर्स के लिए आप इनरोल कर सकते हो बाय नाउ ऑप्शन पे जाओगे तो यहां पे आप कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हो बस एक चीज यहां पर ध्यान रखना विच इज की कोर्स के लिए एनरोल करते टाइम यानी जब आप फी पेमेंट कर रहे होगे तो वहां पे आपसे कूपन कोड या डिस्काउंट कोड पूछा जाता है जिससे आपका प्राइस स्लैश हो जाता है जैसे ऑनलाइन भी आप शॉपिंग करते हो वहां भी भी डिस्काउंट कोड लगाते हो कूपन कोड लगाते हो तो प्राइस क्या होता है कम हो जाता है ना तो वैसे ही अगर आप ये कोड लगाएंगे दैट इज अर्जिता जे यू डी ठीक है बिना स्पेस के लगाना है एक साथ पूरा लिखना है तो पूरा का पूरा कोर्स जो है वो आपको कितने में मिल जाएगा ट्वेंटी थ्री थाउजेंड में मिल जाएगा ट्वेंटी थ्री थाउजेंड में आपकी प्रिलिम्स की मेंस की तैयारी दोनों हो जाएगी और जैसे कि मैंने ही बोला कि प्रिलिम्स की टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट वगैरह आपको इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड वगैरह मिलते हैं ठीक है सो गाइज विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन थैंक यू एम के राव थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर दी कॉम्प्लीमेंट विद दैट वी कम टू दी एंड ऑफ द सेशन सेशन अगर आपको अच्छा लगा जो भी चीजें हमने डिस्कस की हैं वो समझ में आई हैं सो डू लाइक द सेशन डू शेयर द सेशन एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो सो आई सी यू गाइज टुमोरो एट द सेम टाइम सात बजे मैं मिलूंगी लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन कल मैं लेके आने वाली हूं एक बहुत ही <clears throat> दिल दहलाने वाला केस हुआ है इंसिडेंट हुआ है दिल्ली के अंदर आ, एक मर्डर केस हुआ है उसके बारे में कल शाम को हम सात बजे लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे उसके बारे में बात करेंगे ठीक है तो गाइस टिल देन टेक केयर ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन गुड नाइट Bye-bye.